हेलो चैनल टू मा गाइस, वी आर गोइंग टू बैक टू सिवान। हम लोग वापस से सिवान जा रहे हैं। बहुत दुख के बाद मैच नहीं देख पाए हम लोग। मैच का हालत आपने पीछे वाले व्लॉग में देख लीजिए कि क्या हुआ था, बर्बाद हो गया। इसीलिए गाड़ी आगे छूट गई है, 15,000 का टिकट इशारा कर दे रहे हैं। बस इशारा करते धोनी जैसे, अकाउंट नंबर नहीं बना, और हम लोग ने लास्ट का टिकट 500 का टिकट हम लोग ने 5,000 में खरीदा है। तीन फ्री में मिला लेकिन भी दिए ये सब नहीं बोलना होता है। ये सब कहानी हो गया था हमारे साथ भैया। लखनऊ वाले सस्ता में दिए दोस्त। इस बार का ट्रिप में कुछ खास रहा नहीं भैया, सही कर रहे हैं, वहाँ भी ईमानदारी दिखा। हाँ तो बेचे कौन जी, जितने का टिकट था उतना में दिए, ऐसे थोड़े तुम ब्लैक किए, कम में दिए। तो दोस्तों हमारा कैसा ट्रिप रहा ये तो आपको पता चल ही गया। और अभी हम लोग पेट्रोल लेने के लिए 4-5 राउंड मार दिए इसी रोड पे, 3-4 किलोमीटर के अंदर हमने 4-5 राउंड मारा, क्योंकि रास्ता में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था और गाड़ी में तेल भी नहीं था। एक्सप्रेस वे पर 50 किलोमीटर के गैप में तो पेट्रोल पंप या फिर रेस्ट रूम होता ही नहीं है, तो 50 किलोमीटर जाने लायक गाड़ी थी, लेकिन हम लोग रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। इसके लिए हम लोग वापस से जाके और एक्सप्रेसवे से पहले अपने गाड़ी में रिफ्यूलिंग करा लिए, और इतना तेल है कि आराम से हम लोग घर जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मौसम काफ़ी खुशनुमा है। और अभी हम लोग जितने आदमी नहीं उसे है, तो हमारे पास लगेज है, तो हम लोग कैसे कैसे करके एडजस्ट करके बैठे हुए हैं आप तो देख ही रहे हैं। और यहाँ से सिवान तक हमें ऐसे ही जाना है। और आप क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी में हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता है। कोई बात नहीं, हम लोग कंफर्टेबली चले जाएंगे, इसका तो हमको गारंटी है, क्योंकि ये गाड़ी जो है ये काफ़ी कंफर्टेबल है। लोग फॉर्चुनर बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन हमको लगता है कि अब तक मैंने जितनी गाड़ियाँ चलाई हैं, मैं फॉर्चुनर में भी बैठा हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा कम्फर्टेबल हमको ये गाड़ी लगती है। ठीक है, चाइनीज़ गाड़ी है 51%, लेकिन है काफ़ी अच्छा कम्फर्ट है इसका, नेक्स्ट लेवल पर है। जो लोग इस गाड़ी में बैठे हैं वो अच्छे से जानते हैं इस गाड़ी के बारे में। और मोटर व्लॉगिंग के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें बिना काम का खुद से जो बकवास किया जाता है, ये बहुत कभी कभी इरिटेटिंग लगता है, लेकिन फिर भी डेली व्लॉग डालना है तो अपने को। अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ घर बैठ के आराम से, लेकिन कभी कभी होता है कि जब सामने से ही व्लॉग करके बोलना रहता है तो उसमें थोड़ा सा बाहर का भी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ जाता है। और मेरे पास अभी कोई माइक है नहीं, मैं अपने फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ, तो इसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कभी कभी। कोई बात नहीं, उम्मीद है आप लोग को ये डेली व्लॉग का सीरीज मेरा अच्छा लग रहा होगा। और अगर अच्छा लग रहा हो तो कृपया कमेंट करके बताएं कि कैसा चल रहा है ये डेली व्लॉग वाला सीरीज जो मैं डेली डाल रहा हूँ। आज सुबह तो मैंने वीडियो डाल दिया था, वो जो प्रो राइडर का डेथ हुआ था उसके वजह से, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अपने डेली व्लॉग वाला चैलेंज भी पूरा करेंगे, तो उनके लिए तो अफसोस है ही दिल में, लेकिन फिर अपना भी काम करते रहना चाहिए। इसलिए मैंने अपना सोचा कि मैं भी वीडियो एडिट करके और अपना डाल ही दूँ। तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताना ज़रूर कि कैसा लगा आप लोग को मेरा डेली व्लॉग। और ये जो है टर्निंग, हम लोग चल रहे हैं अब एक्सप्रेसवे के ऊपर, यहाँ से सीधा जाएंगे एक्सप्रेसवे पे, यहाँ से एक्सप्रेसवे चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और ये टर्निंग के बाद जस्ट पड़ेगा हमको टोल, और टोल के बाद से हम लोग देखिए क्या मस्त सीन लग रहा है सामने से सनसेट का। तो अभी हम लोग एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे और फिर यहाँ से डायरेक्ट निकलेंगे आजमगढ़ के लिए, और आजमगढ़ पर हम लोग को जाके ये एक्सप्रेसवे छोड़ देना होता है। तो वहाँ तक हम लोग जाने में तो पता ही नहीं चलता है, बोरिंग भी लगता है कभी कभी, क्योंकि कुछ करने को होता नहीं है। गाड़ी को क्रूज़ पे डाल के आराम से बैठे हुए हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा, समझ में आता नहीं है, बोर होता है खुद से कभी कभी, तो नींद भी आने लगता है। जैसे कि आज ही इसी ट्रिप पे मुझे नींद आ रही थी, तो मैं पहले ही स्टॉप पर, जो पहले ही यहाँ पर सेंटर होता है रेस्ट सेंटर, वहीं पर रुक के मैंने आराम किया और फिर हम लोग वहाँ से निकले, क्योंकि नींद में भी गाड़ी चलाना अच्छी बात नहीं है, और रात की नींद ना पूरा होने की वजह से ये सब होना पड़ रहा है। और ये आप देख सकते हैं गाड़ी के ऊपर से, सनरूफ के ऊपर का व्यू कितना खूबसूरत लगता है, ये खूबसूरत सा सनसेट। कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है ये व्यू। और ये है सनरूफ के ऊपर से, छोटा भाई मेरा रिकॉर्ड कर रहा है, और अभी आपको दिखाई देगी बगल में हमारी प्यारी वेन्यू, ये रही। तो बहुत सारे लोग जानते होंगे इस गाड़ी को, क्योंकि मेरा मैक्सिमम जो ट्रिप था वो उसी गाड़ी पे हुआ है हमेशा से। और ये गाड़ी अभी मैंने 1 साल भी नहीं हुआ मुझे घर से लिए हुए, और अब तक मैंने इसको लगभग 30,000 के आसपास इसको भी चला दिया है, और वेन्यू को तो मैंने लगभग 80,000 के आसपास चला दिया है 2 सालों में। वेन्यू जो है वो भी काफ़ी कम्फर्टेबल, और सबसे कह सकते हैं कि मिनी एसयूवी जो होती है वो सबसे बेस्ट है एक तरह से, क्योंकि इसकी माइलेज सबसे अच्छी, तो इसकी माइलेज है, माइलेज काफ़ी लाजवाब है इसकी,
नेक्स्ट लेवल की है कभी कभी। तो ये एक बार मैं अपने कुत्ते को लेकर जा रहा था कॉलेज, तो उस टाइम पे ये गाड़ी 30 की माइलेज दे रही थी, जो कि पॉसिबल है नहीं किसी कार के लिए, लेकिन फिर भी ज़्यादा तेल नहीं पी थी, बहुत कम ही तेल में हम लोग हाजीपुर से कॉलेज चले गए थे अपने। और यहाँ पे है रनवे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हर एक एक्सप्रेसवे पे जो बनाया जाता है, मैंने अपने काफ़ी सारी वीडियो में बताया हुआ है कि ये रनवे क्यों होता है, यहाँ पे बनाया गया है। और ये है यमुना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो बनाया गया है रनवे, यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग के लिए होता है ये। दोस्तों ज़्यादा बकबक करने का मूड नहीं कर रहा है, इसलिए मैं अब म्यूज़िक डाल देता हूँ बीच में। आप लोग ये भी बताना कि बीच में मैं जो म्यूज़िक डालता हूँ वो कैसा रहता है, मुझे बकबक करना आप लोगों को ज़्यादा पसंद रहता है मेरा, या फिर मैं जो म्यूज़िक डालता हूँ वो आपको देखने में अच्छा लगता है। तो इन्जॉय कीजिए म्यूज़िक को, और अगर अब तक चैनल के साथ जुड़े हैं, वीडियो पर जुड़े हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बनाने में, और आपके सब्सक्राइब और लाइक से हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है चलाने का। क्या ही खूबसूरत सभी हुए, आप देख सकते हैं जो रिफ्लेक्टर हैं इस रोड पे काफ़ी तगड़े बनाए गए हैं, क्योंकि अभी इस रोड पे कुछ दिन पहले एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके वजह से शायद इसको और अच्छा से बना दिया गया, क्योंकि उस टाइम पे जब वो एक्सीडेंट हुआ था तब ये पूरा बन के कम्प्लीट नहीं हुआ था, कम्प्लीट हो गया था, चालू हो गया था, लेकिन रिफ्लेक्टर इस पर नहीं लगा हुआ था, तो वो सब अब अच्छे से लगा दिया गया है। तो इन्जॉय कीजिए म्यूजिक को। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं विजयपुर मोड़, जो कि सिवान में है, और रास्ता बहुत ही हेक्टिक था क्योंकि नींद पूरा नहीं हुआ था, और ऊपर से इतना अच्छा गुड न्यूज़ था हमारे पास, बहुत सारा गुड न्यूज़ था। तो करेंगे वीडियो का एंड, लास्ट में आपको दिखाएंगे सिवान एंटर करने के बाद। दोस्तों फाइनली घर पहुँच गए हैं, रात के 1 बज रहे हैं, और अब बिना लेट किए सोएंगे। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय। सब्सक्राइब कर दो चैनल को।